काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित मल्टीपल फैक्ट्री द्वारा कर्मचारी को सैलरी नहीं दिए जाने को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते फैक्ट्री के कर्मचारियों ने श्रम विभाग के अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों से अपनी समस्याओं को रखा और सैलरी को जल्द दिलाने की मांग की। बता दें, जनवरी माह से काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित मल्टीवॉल फैक्ट्री द्वारा कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है। इसको लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने कई बार प्रबंधन से सैलरी की मांग की, लेकिन प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते फैक्ट्री कर्मचारियों के घर पर रोजी रोटी का संकट गिराने लगा है। सैलरी न मिलने के चलते फैक्ट्री कर्मचारियों ने आज श्रम प्रवर्धन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से अपनी समस्याओं को रखा और जल्द सैलरी दिलाने की मांग की। ये जो है, ये फैक्ट्री जो है एनसीईआरटी में चली गई है, ठीक है। कोर्ट में जो है ये बीमार घोषित हो गई है, ये एनसीईआरटी में चली गई है और वहां के मनीष अग्रवाल जो लिक्विडेटर हैं उनसे पूछताछ की गई है कि इनका इतने महीनों का वेतन क्यों नहीं मिला। उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि कल जो है फरवरी तक का वेतन इनका जो है भुगतान कर देंगे और कल जो है हम इनका वेतन का भुगतान अगर नहीं करते हैं तो इनका हमें डायरेक्शन केस, जो इनका केस है, केस लगा दूंगा। हम बाजपुर रोड स्थित जो है अपनी मल्टीवॉल पल बोर्ड मिल में जो है पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जनवरी माह से जो है वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण से जो है सारे वर्कर को आगे जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका है। और कल एक हमारा एक एम्प्लॉयर है, उसकी घरवाली ने आत्महत्या तक करने की कोशिश करी गई है। वो तो समय रहते हुए बंदा पहुंच गया वहां पे, जिस तरीके से उन लोग को समझा समझा के कि भाई लेबर इंस्पेक्टर द्वारा जो है कल का आश्वासन दिया गया है, इस चक्कर में उन लोगों ने जो है अपने आप को कंट्रोल करा है और जो है कल इन्होंने बोला है लेबर इंस्पेक्टर ने कि कल आपको जो है जनवरी और फरवरी माह का जो है 2 महीने का वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी पूरा फाइनल देने की बात कुछ भी नहीं हुई है, बाकी ये कह रहे हैं कि कल आप फरवरी का वेतन लो, वहां पे आपसे जो है इनसे जो है लिखित में लिया जाएगा कि अप्रैल, वो मार्च और अप्रैल की सैलरी ये कब देंगे। समस्या ये हो गई है कि एम्प्लॉयर के पास जो है 1 रुपया नहीं है खाने के लिए। जो राशन मिल रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, रोजमर्रा की चीज़ तो आदमी नगद ही खरीदता है। दुकानदार सामान देने से मना कर रहा है, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है कि 1 महीने का नोटिस उन लोगों ने पहले ही दे दिया है और क्या नाम है, यही समस्या आ चुकी है। अब